हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं आपका एक एक ऑप्शन अच्छे से आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ फिलहाल अगर कभी कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई कमी है तो प्लीज आप हमें वो कमेंट करके जरूर बता दिया करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम वर्ड में चार्ट मेन्यू तो मैंने जब इंसर्ट टैब आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको दो चीजें नहीं पढ़ाई थी जो कि मैंने आपको थोड़ी थोड़ी समझा दी थी जैसे टेबल मेन्यू मैंने आपको इसमें टेबल इंसर्ट करना बता दिया था थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग्स वगैरह बता दी थी तो वो मैंने उस टाइम पे थोड़ा कम पढ़ाया था सारे ऑप्शन नहीं पढ़ाए थे मैंने आपको बोला था कि टेबल मेन्यू और साथ ही साथ चार्ट मेन्यू भी मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था तो मैंने बोला था कि टेबल और चार्ट मेन्यू पे मैं आपके लिए एक नया वीडियो एक एक लेके आऊंगी अलग अलग इंडिविजुअल टेबल मेन्यू पे मैंने वीडियो बना दिया है लास्ट और अब हम आपको आज पढ़ाएंगे चार्ट मेन्यू के बारे में तो होता क्या है कि जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती इसीलिए मैंने टेबल और चार्ट पे एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया है और मैं इस पे बना रही ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट तो चार्ट आपको इंसर्ट टाइप में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन रूप में तो देखिए चार्ट का यूज क्या होता है किसी भी चीज की ग्रोथ को दिखाने के लिए मतलब अगर आप एक इंस्टीट्यूट एक कंपनी एक ऑफिस की बात कर रहे हैं वो दिन पर दिन उसका ग्रोथ सिस्टम क्या है वो उस ग्रोथ को आप चार्ट से दिखा सकते हैं क्योंकि तो जब हम किसी से मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम ऐसे बताएं कि हमारे यहाँ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इतने स्टूडेंट थे थ्री में इतने थे फोर, 24 में इतने हैं। तो ये बताने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और नोट कराने में कि इस कोर्स में इतने थे इस कोर्स में इतने थे तो उससे बेटर रहता है कि उसको हम चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं ठीक है तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना हम एक स्पेस पूरा पेज खाली कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे चार्ट मैन्यू होता क्या है कि जब आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तो चार्ट आपको कई सारे मिलते हैं जैसे कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट एक्साइज स्कैटर स्टॉक सरफेस रेडर कॉम्बो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है इनमें सबसे ज्यादा समझने में जो आसान रहता है वो होता है कॉलम चार्ट वैसे आप लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हो ये भी किसी चीज की ग्रोथ को दिखाता है आप देखेंगे स्टॉक मार्केट वगैरह में ये दिखता रहता है आपको पाई चार्ट जिससे आपको पॉपुलेशन वगैरह देखने में आसानी होती है ठीक है यहाँ पे ऐसा देखना हो कि वीमेन किस और या फिर का रेशियो देखना हो ऐसा कुछ ये बार चार्ट ये कुछ कुछ कॉलम चार्ट जैसा होता है कॉलम चार्ट वर्टिकल होता है और ये हॉरिजेंटल होता है वैसे एरिया चार्ट होता है तो कई सारे चार्ट होते हैं आपको जो समझ में आए वो आप एक चार्ट चूज कर लीजिए उसका आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर लीजिए आप चाहें तो आप अभी इसका डिजाइन नॉर्मल रखिए इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं जब आप चार्ट लेंगे क्या होगा कि आपको को जब आप चार्ट लेते हैं तो आपको इस इस पे एक्सेल के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि तो चार्ट तब वर्क करता है जब आप जैसे जैसे आप एक्सेल में डेटा एंटर करते जाते हो वैसे वैसे आपका चार्ट अपडेट होता चला जाता है आप चाहें तो आप चार्ट के टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं अगर आपने कोई सेव करके रखे हैं तो अदरवाइज हम कॉलम चार्ट लेंगे और इसको हम कर देंगे ओके जैसे आप ओके okay करेंगे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक चार्ट आ गया है और साथ ही साथ आपको ऊपर एक डेटा एंटर करने के लिए आपको मिल रही है एक एक्सेल की विंडो ठीक है इस तरीके से अब हम आएंगे ऊपर और हम यहीं पे अपने उस चार्ट को लेके आएंगे तो डिलीट की प्रेस करके हम चार्ट यहाँ ले आएंगे और हम बाकी का कॉन्टेंट कर देंगे नीचे ठीक है इसको भी हम नीचे ले जाते हैं अब हम इस पर सिर्फ चार्ट रखेंगे जैसे आप चार्ट लेंगे आपको यहाँ एक्सेल का भी एक विंडो मिल जाता है ठीक है जिसमें आपको दिख रहा है सीरीज वन सीरीज टू सीरीज थ्री कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी फोर इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो लिख आ रहा है कैटेगरी वन टू थ्री फोर सीरीज वन टू थ्री आप जैसा जैसा इसमें डेटा एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे इस चार्ट ये अपडेट होता चला जाएगा आपको क्या करना है आप चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डिजाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन मिलेंगे आपको डिजाइन में एडिट डेटा पर फिर से क्लिक करना है तो आपके सामने फिर से आ जाएगा उसके बाद अब हमें क्या करना है हम इसमें करेंगे डेटा एंटर मान लिया जैसे मेरे पास चार कोर्सेज है मेरे पास है एक टेली प्राइम ठीक है इसके बाद मेरे पास है टैली पी आर पी नाइन उसके बाद है ट्रिपल सी और इसके बाद है एम एस ऑफिस चार है हमारे पास कोर्स तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए यहाँ पे हमारा बनता चला जा रहा है तो हमें दिखाना है कि हमारे पास अः फॉर एग्जाम्पल हमारे पास uh, जनवरी में कितने स्टूडेंट थे हम ऐसे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं फेबररी में कितने स्टूडेंट थे और मार्च में कितने स्टूडेंट थे आप ईयर वाइज भी दिखा सकते हैं अब हम यहाँ से देखना जैसे जैसे नंबर देख रहे हैं आप देख रहे हैं वैसे ही चार्ट हमारा साथ ही साथ वैसे नीचे अपडेट होता चला जा रहा है अगर आपको चाहिए आप और भी यहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और भी कॉलम्स बना सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है टेन वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर सेवेंटी आप अलग अलग डेटा यहाँ पे बनाइए ताकि आपको पहचानने में आसानी रहेगी और यहाँ पे हम कर देंगे वन हंड्रेड ठीक है अगर आपको चाहिए आप और भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं जैसे अप्रैल ठीक है अप्रैल ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे अप्रैल भी एक ऐड हो जाएगा और अप्रैल का भी डेटा यहाँ से दे सकते हैं आप चार्ट का रेंज बढ़ा सकते हैं जितना आपको मिला है जरूरी नहीं हम उतने पे ही वर्क करेंगे ठीक है आप यहाँ से कोई और कोर्स है तो किसी और कोर्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं देखना जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक इधर वो ऐड हो जाएगा नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे ठीक है और इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जैसा डेटा था इधर आ चुका है इस पे हम वापस क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटा पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमें चाहिए नहीं चाहिए जैसे एमएस ऑफिस के आगे एक और स्पेस छूटा हुआ है जो हमें नहीं चाहिए तो उसको मन टिक कर देंगे ये हमें कुछ चाहिए नहीं है ठीक है ये वाला डेटा ये हमें नहीं हमें सिर्फ चाहिए इतना डेटा तो हम उतना डेटा अपना ले लेंगे रो और कॉलम में अगर आप इसको स्विच करना चाहते हो तो आप इसको स्विच कर सकते हो अदरवाइज आप इसको जैसा था आप वैसे के वैसे इसे छोड़ भी सकते थे ठीक है इस तरीके से कर देखिए ऐसे क्या हुआ कि आपका जो भी इसका स्टूडेंट थे वो भी यहाँ पे लिख के अब इसके बाद में अगर हमें आप कोई डेटा जैसे तो कुछ अगर आपको और डेटा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो जैसे एमएस ऑफिस के आगे एक है एक्स्ट्रा वो कॉलम में आप इसको स्विच भी कर सकते हो आप चार्ट का डेटा रेंज भी अभी अपना चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करो आप चार्ट का डेटा रेंज चेंज कर दो जैसे हमें चाहिए सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का हम सिर्फ इतना रेंज ले लेंगे ठीक है इसको हम यहाँ से कर देंगे ओके आप देखोगे पूरे पे वापस से हमारा चार्ट आ जाएगा ये सारे चार्ट के ऑप्शन होते हैं अब देखिए ये क्या दिखा रहा है कि ये है, है, है कलर मार्च के लिए है ये कलर अप्रैल के लिए है ठीक है अप्रैल में यहाँ पे डेटा ही नहीं लिखा हुआ है तो मेरे यहाँ पे डेटा कोई टाइप कर देंगे ठीक अब देखिये बात आ रही है अगर की देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं तो देखिये ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ तो से टैली आरपी नाइन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कब थे आप कलर देख लीजिए फेब में सबसे ज्यादा इसके स्टूडेंट थे तो हम अगर इस पे आए तो आप देखेंगे कि ये है हमारा ट्रिपल सी का इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे किस महीने में आप देख लीजिए इसमें जेन के सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे ऐसे हमारा चार्ट वर्क करता है चार्ट जब आप लेते हैं तो आपको यहाँ से डिजाइन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे चार्ट एलिमेंट आप एड कर सकते हैं आप इसमें कोई भी टाइटल दे सकते हैं चार्ट टाइटल ठीक है चार्ट टाइटल में आप नन वर्क चार्ट वहां पे रखना है सेंटर रखना है या फिर एक्सेस टाइटल आपको देना है तो आप एक्सेस टाइटल दे सकते हो आप देखो जैसे एक्सेल टाइटल दे रहे, तो देखिए एक साइड में यहाँ पे एक टाइटल ऐड होता जा रहा है वर्टिकल में 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 डेटा 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 लेबल्स आप दे सकते हो बेस देखिए ऐसे लेबल में क्या होगा कि जितना इसका नंबरिंग है जितने जिसमें स्टूडेंट है वो भी लिख के आएंगे किस तरीके से आपको लिखने हैं वो आप इस पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे डेटा लेबल भी ले सकते हो एक्सेल आप एक्सेस टाइटल भी ले सकते हो जिसमें आप कुछ लिख सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर से कि स्टूडेंट रिकॉर्ड ठीक है ऐसे आप दे सकते हो और भी आपको यहाँ से एलिमेंट मिल जाएंगे जैसे डेटा टेबल ले सकते हो विद लेजेंड की विद नो लेजेंड की ग्रिड लाइंस आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो अगर इंसर्ट करना चाहो तो और ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको चार्ट में टाइटल देना है नहीं देना है वो चार्ट देना है तो यहाँ पे आपको एक टाइटल भी दे सकते हो जैसे कि मान लिया कोई एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट का है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट का डेटा है ठीक है वैसे आप क्विक लेआउट में जाके इसका आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो चार्ट का जो भी आपको चाहिए हो चार्ट के अगर आपको कलर चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे क्विक लेआउट पे जाके इसमें हम लेआउट चेंज कर देंगे आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है कलर चेंज कर देंगे इसके हम अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर लीजिए कोई भी उसके बाद आप चार्ट का यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं ये आप देख रहे हैं आपको कई तरीके से यहाँ के चार्ट के स्टाइल मिल जाते हैं ठीक है अब आके देख लेते हैं तो आप अगर चाहें तो इसका डेटा जो है वो आप रो और कॉलम में स्विच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो जैसे हमें पहले भी मिल चुका है ठीक है और यहां से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे एडिट करेंगे, डेटा को हम रिफ्रेश करेंगे अगर उधर हमने कोई भी चेंजेस किए हैं जो इधर हमारे नहीं हो पाए हैं तो हम डेटा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे हमने डेटा अपने कोई भी एंटर किया है और हमारा अगर इधर नहीं अपडेट हो रहा है तो हम डेटा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं ठीक है अब देखिए आगे हमें क्या करना है चेंज चार्ट टाइप चार्ट टाइप अगर आपको चेंज करना है कॉलम चार्ट नहीं चाहिए तो आप लाइन चार्ट ले सकते हो पाई चार्ट ले सकते हो बार चार्ट ले सकते हो जो भी आप लेना चाहो वो आप इसमें चेंज भी कर सकते हो आगे ऑप्शन आता है फॉर्मेट का यहाँ से आप यह अपना प्लॉट एरिया दे सकते हो और फॉर्मेट सिलेक्शन आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो जो भी कुछ करना है वो आपके लिए इधर एक सिलेक्शन आ जाएगा कलर फिल करना है चार्ट के अंदर बॉर्डर देना है चेंज करना है वो आप कर सकते हो जैसे आप इसके अंदर सॉलिड फिल कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं तो फिल करना है तो आप यहाँ से इसमें कोई भी ले आप चाहे तो चाहिए होंगे आप इसके पिक्चर या भी फिल कर सकते हैं। पैटर्न भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं यहाँ से कोई पिक करके पैटर्न का आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं ब्लैक व्हाइट अगर आपको पैटर्न चाहिए ब्लैक व्हाइट ले लीजिए नो फिल करना है तो आप इसको नो फिल कर सकते हैं सॉलिड फिल करना है तो आप इसमें कोई सॉलिड फिल कर सकते हैं ऐसे ही इसके बॉर्डर का जो स्टाइल है वो आप बॉर्डर का स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते ग्रेडियंट सॉलिड लाइन जो भी आपको चाहिए हो फिर रिसेट तो मैच स्टाइल आप कर सकते हो रिसेट कर सकते हो इसको इसमें अगर आपको कोई कोई शेप शेप इंसर्ट इंसर्ट करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हो साथ ही साथ अगर आपको कोई यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई यहाँ पे लेना है जब आपको शेप इंसर्ट कर रहे हो आपको अगर कोई ट्वेक्स बॉक्स लेना है तो आप यहाँ से ट्वेक्स बॉक्स लेके कुछ टैक्स भी यहाँ पे ऐसा टाइप कर सकते हो अपना इसका ब्लैक कलर है तो अभी विजिबल नहीं हो रहा है ठीक है आगे इसमें अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर अगर आपको कोई यहाँ से कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कोई कलर फिल कर सकते हो इसमें आप अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हो जैसे अभी बताया था आउटलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले शेप्स में भी पिक्चर्स में भी पढ़ी हैं तो हमें ये आसान हो रही है रिफ्लेक्शन ग्लो ये सारी चीज़ें देना शेडो देना देखिए आप सब इसमें ये दे सकते हो इसके बाद इसके अंदर का कंटेंट कैसा लिख के आना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं

सिलेक्शन सिलेक्शन इसपे ये दिखाता है कि इस पे कितनी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट पर तो चार्ट अगर आप अभी किसी को थोड़ी देर नहीं दिखाना चाहते आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं तो चार्ट रहेगा पर ये हाइड हो जाएगा जब आपको वापस चाहिए हो चार्ट तो अब आप सिलेक्शन पेन कहा से लेके आएंगे तो आपको पेज लेआउट में भी सिलेक्शन पेन मिल जाती है वहां से भी जाके आप चार्ट को यहाँ से शो करा सकते हैं वैसे ही चार्ट के और ऑप्शन आते हैं लाइन कर सकते हैं आप इसको और दो या दो से ज्यादा चार्ट उनको ग्रुप कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं सो so, आइज ये सारे ऑप्शन होते हैं चार्ट के जो हमने पहले भी बहुत बार ये फॉर्मेट मैन्यू तो हमने कई बार पढ़ लिया है पहले पिक्चर्स में भी स्मार्ट आर्ट में भी शेप्स में भी इसीलिए हमारे लिए काफी आसान हो गया है क्योंकि तीन बार हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं तो ये सारे ऑप्शन थे हमारे चार्ट में आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चार्ट का ये ट्यूटोरियल कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में